हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्ट्रॉन के बारे में कि अल्ट्रॉन जिंदा है या फिर मर गया, क्योंकि हम लोग मूवी के अंत में भी देख चुके हैं कि विजन अल्ट्रॉन को मार देता है, पर क्या वह सचमुच मर गया? इसी बात पे हम लोग इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अल्ट्रॉन एक कंप्यूटर दिमाग है जिसकी मदद से वह इंटरनेट को काबू कर सकता है और इंटरनेट की मदद से वह कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। इंटरनेट उसका मेन हथियार है, कहीं भी आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। इसलिए अल्ट्रॉन को मारना काफी मुश्किल है। अगर अल्ट्रॉन को मारना है तो उसे इंटरनेट से पहले हटाना पड़ेगा, तभी जाके अल्ट्रॉन को मारा जा सकता है, क्योंकि अल्ट्रॉन इंटरनेट की मदद से कहीं भी भाग सकता है। आपने मूवी में भी देखा होगा कि अल्ट्रॉन 3 बार मर चुका होता है, यानी उसकी बॉडी 3 बार तबाह हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। कैसे? इंटरनेट की मदद से। वह इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट की मदद से किसी भी शरीर पर काबू कर सकता है, लेकिन इंसानी शरीर को छोड़ के। एक बार तो हमारे थोर भाईजान हथौड़े से उड़ा चुके होते हैं, दूसरा आयरन मैन उसे रॉकेट से उड़ा देते हैं, और तीसरा वो अपने खुद ही छोटे शरीर को तोड़ के बड़े शरीर में शिफ्ट हो जाता है। तो इस ससुरा को मारे तो मारे कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा था कि अल्ट्रॉन को मारने के लिए पहले उसे इंटरनेट से हटाना होगा, और वही काम करता है विजन। आपको मूवी के अंत में याद होगा कि विजन उसे इंटरनेट से पूरी तरह से डिलीट कर देता है, क्योंकि विजन ही जार्विस है और जार्विस ही विजन है, यानी जार्विस को ही विजन में डाला गया है, यानी जार्विस एक प्रोग्राम है और वह इंटरनेट पे एक्सेस करता है। इसलिए वह अल्ट्रॉन को इंटरनेट से पूरी तरह से हटा देता है ताकि अल्ट्रॉन को मारा जा सके। और अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटाने के बाद बारी आती है अल्ट्रॉन को दौड़ा दौड़ा के मारने की, और लास्ट में विजन ही अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है। यानी अल्ट्रॉन का इंटरनेट से एक्सेस खत्म हो जाने के बाद वह इंटरनेट पे कहीं भाग नहीं सकता, जिसके बाद विजन अल्ट्रॉन को मार देता है। क्या अल्ट्रॉन सच में मर गया? हाँ, अल्ट्रॉन मर गया, क्योंकि वह उसे भागने का कोई और रास्ता नहीं मिला। तो क्या अल्ट्रॉन वापस आ सकता है? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर अल्ट्रॉन को कोई बनाता है, रिप्रोग्राम करता है, तो अल्ट्रॉन शायद वापस आ भी सकता है, नहीं तो उसके आने की कोई चांस ही नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।